वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके जो हमने आपके लिए पेशेज दिया था अनसीन, उसके आंसर्स लेकर आए हैं। आपको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पेशेज दिया था और आपको हमने टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज इट इम्पॉसिबल फॉर अ यंग मैन टू रीड अ बुक फॉर मियर अम्यूजमेंट, यानी एक युवा व्यक्ति के लिए केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना कब असंभव हो जाता है। तो इसका आंसर के लिए हम यहाँ पर आए और हमें यहाँ पर मिला बट अ यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू अ कोर्स, यानी अ यंग मैन यहाँ पर मिल गया। लेकिन कभी भी आप ये ध्यान रखें, मान लो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ पर यंग मैन मिल गया और उन्हें जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू रीड बुक फॉर मियर अम्यूजमेंट इम्पॉसिबल, ये वर्ड मिलेंगे तो वो यंग मैन यहाँ पर ढूंढ लेगा और डिसिप्लिन यहाँ पर देख लेगा, अम्यूजमेंट फॉर मियर अम्यूजमेंट देख लेगा और इस प्रकार से वो चलता हुआ जाएगा। ये इम्पॉसिबल मिल गया टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, यानी वो क्या करता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा आंसर लगा देता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आंसर नहीं है, बिल्कुल आंसर इन्हीं लाइन्स में से हैं। लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है व्हेन, यानी कब असंभव हो जाता है एक युवा के लिए केवल मात्र मनोरंजन के लिए पढ़ना। अब इन लाइन को देखें, लेकिन एक युवा व्यक्ति जो कि पास कर चुका है यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग को और उसमें डिसिप्लिन पैदा हो गया और वो सीख जाता है ए टेन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, उसे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए मनोरंजन के लिए। प्रश्न क्या है, कब कब असंभव हो जाता है उसके लिए, कब असंभव हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, एक बार जब उसमें डिसिप्लिन की हैबिट आदत डल गई, ही विल फाइंड इट, अभी इतना लिखा हुआ है ये सब इस आंसर के लिए बेकार है। यहाँ पर आएगा वंस की जगह आप वेन लिख दें, क्योंकि आपके आंसर में वेन दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर लिखे व्हेन द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन से लेकर मियर अम्यूजमेंट तक, यानी इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वंस की जगह व्हेन द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, जब उसमें अनुशासन की आदत पैदा हो जाएगी। ही कौन है, ही कौन है, यहाँ पर आप देखिए अ यंग मैन, तो आपको इस ही की जगह क्या लिखना है, इतना सा तो सब कर सकते हैं, अ यंग मैन विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर आप एजुकेटेड पर्सन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, यानी अर्धशिक्षित व्यक्तियों को कभी आरोप क्यों नहीं लगाना चाहिए कि वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, वाई से शुरू हो रहा है, क्यों आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब हम आप एजुकेटेड वाले में चलेंगे, ये रहा यहाँ आप एजुकेटेड। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप एजुकेटेड पर्सन से लेंगे रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, ये मिल गया। एक बार क्वेश्चन देखिए, क्यों नहीं उन पर को ब्लेम करना चाहिए कि वो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछ रहा है क्यों नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे भी आंसर है, दे आर इनकेपेबल, क्योंकि वो असमर्थ होते हैं उसमें जो डीपर क्वालिटीज होती है उन्हें अप्रिशिएट करने में, जो ग्रेट लिटरेचर की, यानी कि ये जो दे है इसके पहले आप बिकॉज लगा कर आंसर लिखें, यानी बिकॉज दे आर इनकेपेबल ग्रेट लिटरेचर तक, यानी इसका आंसर हम ऐसे लिखें, आप एजुकेटेड पर्संस, इस आर को वाई तो काट देंगे हटा देंगे, आप एजुकेटेड पर्संस इस आर को यहाँ लिखेंगे, आर नॉट बी ब्लेम्ड फॉर रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट क्वेश्चन मार्क हटा के फिर लिखेंगे बिकॉज दे आर, ये रहा बिकॉज दे आर इनकेपेबल से लेकर ग्रेट लिटरेचर तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच बुक विल द डिसिप्लिन रीडर थ्रो डाउन, कौन सी पुस्तक को अनुशासित पाठक फेंक देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर डिसिप्लिन रीडर वाले में चलते हैं कि कहाँ पर इसमें डिसिप्लिन रीडर और फेंकने वाला आया हुआ है।
तो यहाँ पर ये देखे ही विल फाइंड इम्पॉसिबल, फिर ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड। यानी कि अब यहाँ पर ही दिया हुआ है, ही कौन है, क्वेश्चन देखिए द डिसिप्लिन्ड रीडर थ्रो डाउन, यानी कि ही कौन है, ये ही की जगह आप लिखे द डिसिप्लिन्ड रीडर, यानी इसका आंसर आप लिखें द डिसिप्लिन्ड रीडर विल थ्रो डाउन, यानी इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो ही की जगह तो लिख देंगे द डिसिप्लिन्ड रीडर विल, देन हटा देंगे इम्पेशेंटली हटा देंगे, द डिसिप्लिन्ड रीडर विल थ्रो डाउन एनी बुक से लेकर, पूरी लाइन मैच कर रही है और आप इंटेलेक्ट तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, वॉट आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, यानी मनोरंजन के लिए ही पढ़ने के क्या नुकसान हैं। अब यहाँ पर आपको डिसएडवांटेजेस तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो बाद में आपके जितनी भी लाइंस दी हुई हैं ये सब इसके डिसएडवांटेजेज हैं। अब इतने सारे डिसएडवांटेजेज को लिखने में तो हमारे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, अब इसका आंसर आपको लिखना है क्योंकि ये एक नारकोटिक की तरह है, यानी एक नशे की तरह है, तो हमने इसका आंसर ऐसे लिखा है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेज, तो आपको सबसे पहले लिखना है द डिसएडवांटेजेज ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट आर, अभी आर को क्वेश्चन मार्क हटा के, वार तो हमने हटा दिया, क्वेश्चन मार्क हटा के आर लिख दिया, आर इट इज़ लाइक अ नार्कोटिक, हमने क्या किया इसको तोड़ तोड़ कर ये आंसर लिख दिया, यानी थोड़ी थोड़ी बातें सबकी लिख दी, इट इज़ लाइक अ नार्कोटिक हमने लिख दिया, इट इज़ लाइक अ नार्कोटिक डेट हेल्प्स टू पास द टाइम कीप्स अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग इट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और ये आंसर हमने क्या किया इसी में से लिख दिया, यानी कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ें हैं उनमें से मेन मेन चीज़ें लिख ली और हमारा आंसर बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सिमिलर वर्ड फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है भावना, अब भावना आप जानते हो ये यहाँ पर फीलिंग दिया हुआ है, स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, यानी कि भावना से रिलेटेड वाली लाइन में ही आपको ये मीनिंग मिलेगा, इसका अर्थ है परसेप्शन। इसके बाद में अगला मीनिंग दिया हुआ है आपके कॉन्स्टेंट रेगुलर, यानी कि लगातार, और लगातार कोई भी चीज़ रहेगी तो कंडीशन रहेगी बुरी या अच्छी कंडीशन लगातार बनी हुई है तो उसके आसपास मिलेगा, ऐसे हमें वर्ड के मीनिंग्स हैं जो लाइन के आसपास मिलते हैं, बस उस लाइन को आपको पकड़ना है। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परपेचुअल कंडीशन आया हुआ है, ये देखिए समथिंग डेट कीप्स अप, कीप अप यानी बनाए रखता है, परपेचुअल यानी रेगुलर, यहाँ पर कॉन्स्टेंट कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग सपने में लगातार खोए रहते हैं, इसलिए इसका आंसर है परपेचुअल। मुझे आशा है ये प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप और भी पैसेजेस की प्रैक्टिस करें क्योंकि इनमें आपके फुल मार्क्स आना जरूरी है। फिर भी आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स थैंक यू।